जुलेखा जी, आपका थोड़ा परिचय देंगे? आप क्या करते हैं? आपका पूरा नाम? मेरा नाम जुलेखा जबी है और मैं छत्तीसगढ़ में जेंडर इक्वालिटी को लेकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सरकार के डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग का काम करती हूँ वॉलंटरी तौर पे। और राष्ट्रीय स्तर पर एक फोरम है, एक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, देश में मुसलमानों के साथ काम करने वाली औरतों का एक ग्रुप है, उसके साथ जुड़ी हुई है। और इसके साथ ही साथ में इस देश में कम्युनल हारमोनी को लेकर जो काम हो रहा है, देश में सौहार्द और साझी विरासत को बनाए रखने के लिए, ऑल इंडिया सेक्युलर फोरम के साथ भी जुड़ी हुई हूँ और उस पर काम करती हूँ। और आपने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर रहती है? जी, मैं रायपुर में रहती हूँ। और आपने क्या क्या यहाँ पे ऐसे काम किया है इन द पास्ट? एक तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तो यहाँ पर यहाँ की जल जंगल जमीन को लेकर जहाँ पे भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने आवाज़ उठाई है अपनी तकलीफों को लेकर, मैं उनके साथ खड़ी रही और जन संगठन जो भी रहे उनके साथ जुड़ी रही। जैसे हमारे यहाँ नदी बेच दी गई थी, उसका आंदोलन वहाँ के स्थानीय लोगों ने चलाया, उनके साथ हम लोगों ने अपनी सॉलिडारिटी दी। इसके साथ ही साथ महिलाओं के साथ होने वाले जो अत्याचार हैं, महिलाओं के साथ होने वाले जो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हैं, चाहे वो टोनही का मामला हो या सती प्रथा हो, इन तमाम कुछ चीज़ों को भी लेकर राष्ट्रीय स्तर पर उन बातों को पहुंचाने का काम भी हम लोग यहाँ के अन्य संगठनों के साथ मिलकर साझा तौर पर करते रहे हैं। और ये दांतेवाड़ा में, और स्पेशली ये छत्तीसगढ़ के ये दांतेवाड़ा बस्तर एरिया में जो उसमें वुमेन रिलेटेड क्या वायलेंस में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस टाइप के वायलेंस हो रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले एक दशक को ही हम देख लें तो जिस तरह से गरीब इंसान को उसकी अपनी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जो कॉरपोरेट जगत के साथ मिलकर किया जा रहा है। लेकिन इसमें औरतों के साथ, उनके अपने शरीर के साथ बुरी हरकतें करते हुए एक हथियार के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक भी और शर्मनाक भी है डेमोक्रेसी के लिए ये स्थिति है। और अब तो हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के पूरे इलाके में कि किस तरह औरतों के शरीर को टॉर्चर करते हुए, उनके साथ रेप करते हुए, उनके उनकी अपनी शारीरिक दिक्कतों को नज़रअंदाज करते हुए एक अत्याचार के तौर पर, उसको जो हथियार के तौर पर सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं या सेना से संबंधित जो तमाम, जैसे कह लें कि अलग अलग फोर्स जो सरकारें बना रही हैं ये दिखाने के लिए कि स्थानीय लोग इन्वॉल्व हैं, वो इस तरह के अपराध की तरफ ले जा रहा है और इसका बहुत बड़ा खमियाजा औरतें और बच्चे भुगत रहे हैं। आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकती हैं? अभी तो बहुत मतलब काफ़ी सारे हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम जानते हैं, जिनको हम लोग देख रहे हैं, और खासकर दंतेवाड़ा में जो वनवासी चेतना आश्रम ने जिन चीज़ों को कोर्ट तक जो पहुंचाया है वहाँ के आदिवासियों की गुहार पर, उन चीज़ों को जहाँ तक मैं जानती हूँ तो साम सेट्टी की वो चार महिलाएं जिनके साथ में, तीन के साथ तो एक ही दिन और एक समय में पर्टिकुलर 12 से मतलब 3 से 5 बजे के बीच में जो एक पूरे के पूरे बहुत सारा ग्रुप पहुंच के जो उन पर हम उस गांव पे हमला करता है और उस दिन की तीन महिलाओं के साथ वो गैंगरेप करते हैं, जिसमें एसपीओ शामिल हैं, सलवा जुड़ुम के लीडर्स शामिल हैं और जिनके जिसमें जो है पुलिस के आरक्षक कांस्टेबल तक जिसमें इन्वॉल्व हैं। दोरनापाल थाना के तहत जो साम सिटी गाँव है उसमें चाहे सीता हो या चाहे एमला हो या बुधरी हो या और दूसरी तमाम जो औरतें हों, हेडमी हो, ये हैं। और फिर उसी साल जो है दो और महिलाओं के साथ, मई में एक के साथ, जनवरी में एक के साथ फिर बलात्कार होता है। और सबसे अफसोसजनक बात ये लगती है जो मुझे दिखाई देती है वो ये है कि वो दोरनापाल थाने के तहत आता है और उस थाने में किसी की भी रिपोर्ट लिखी नहीं गई और मजबूर होकर फिर उन औरतों ने जो है संगठनों का सहारा लिया, उनको न्याय पे उम्मीद है, इंसाफ से उनको उम्मीद है, उनका विश्वास है डेमोक्रेसी पर। तो ये बहुत बहुत बड़ी ताकत है इस देश की और मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को बचाना चाहिए उन्हें, कि आस्था बनी रहे डेमोक्रेसी पर और गरीब इंसान को, आदिवासी को अगर इंसाफ की उम्मीद है तो उसको बनाए रखना चाहिए। तो तब जाके जब दोरनापाल के थाने ने उनको भगा दिया बार बार, तब फिर हाईकोर्ट में वो गए,
और हमारी जुडिशरी भी जिस तरह से काम कर रही है, खासकर औरतों के मुद्दों पर, गरीबों के मुद्दे पर, मुझे लगता है उस पर भी सोचने की ज़रूरत है इस देश में कि 6 महीने लग जाते हैं केस को रजिस्टर्ड करवाने में। और ये अच्छी बात रही कि उन्होंने फैसला दिया कि उनके लिए वारंट निकाला उन अभियुक्तों के खिलाफ, और यहाँ दंतेवाड़ा कोर्ट को उन्होंने ट्रांसफ़र किया। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि दंतेवाड़ा कोर्ट ने उनको जो है ये कह के कह दिया कि इनके मिलने की संभावना नहीं है और उनको फरार घोषित कर दिया, जबकि स्थायी वारंट है और उसमें से बहुत सारे लोग SPOs हैं, वो रोज़ ड्यूटी पर हैं, वो शायद साइन कर रहे हैं वो रोज़, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि आवाज़ उठाने वाली वो औरतें हैं जो जंगलों में रहती हैं, आदिवासी हैं, और जिनको इंग्लिश नहीं आती है और जो अपनी बात नहीं कह सकती हैं, वो हमारी जबान भी नहीं समझती, हिंदुस्तानी भी वो समझ नहीं पाती, हिंदी भी नहीं समझती हैं, और उनकी कोई वॉइस शायद नहीं बन सकता। उनकी ऐसा लगता है न्यायपालिका भी उनके साथ बेरहमी से ही पेश आ रही है, ये बहुत बुरी बात है। इसके साथ ही साथ और बहुत सारी घटनाएं जो यहाँ पर दंतेवाड़ा के अंदर हो रही है, नक्सलियों के सफाई के नाम पर हो रही है। हमारा इसमें ये कहना है, एक औरत होने के नाते भी मुझे लगता है, सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते भी ये लगता है कि अपराधियों को पहचान कर उनकी शिनाख्त करते हुए उनको सजा दी जाए, उसके आड़ में बेगुनाहों को का कत्लेआम बंद किया जाना चाहिए। और ये भी सच है कि सरकार की परेशानी भी है कि सरकार पहचाने कैसे, लेकिन हमें लगता है सरकार और आम इंसान में फ़र्क होता है, अपराधी और सरकार में फ़र्क होता है। तो अपराधियों की तरह सरकार बिहेव न करे अपने ही लोगों के साथ, वो फ़र्क करना सीखे कि आम लोग कौन हैं और अपराधी कौन हैं, और फिर उनमें से छांट के लोगों को वो सज़ा दे, बनिस्बत की आम इंसानों को, आम लोगों को, औरतों और बच्चों को सज़ा दे। दंतेवाड़ा में बहुत सारे केस ऐसे हैं जो नहीं आए हैं बाहर, जो चंद आए हैं, 5-7 महिलाओं के जो केस बाहर आए हैं, जो कोर्ट तक पहुँचे हैं, उनको जिस तरह हरेस किया जा रहा है। अभी ये जो चारों महिलाएं शाम से टिकी हैं, उन महिलाओं के साथ जो सुलूक किया है पुलिस ने और SPO ने, सलवा जुड़ुम ने, पूरा का गांव में पहुंचे और उन्होंने उनके साथ, पूरे गांव के साथ मारपीट की, उन औरतों के साथ मारपीट की, उनके परिवार के साथ मारपीट की, और जब इससे दिल नहीं भरा तो कुछ दिनों बाद उनको उठा के 5 दिनों तक थाने में रखे, और शायद सूरज उगने से पहले उनको उठा के लाए, उसमें से महिलाओं ने कपड़े तक नहीं बदले थे, जिस तरह सोती हैं वैसे ही वो थाने में रही, न उनको खाने के लिए जाने दिया गया, न उन्हें कंघी करने दिया गया, न उन्हें कपड़े बदलने दिया गया। और उसमें से एक महिला जिसके साथ हमारी बात हुई है, उस महिला का, वो महिला चूंकि डटी हुई है, उसने कहा कि मुझे मार डालो, लेकिन मैं न्याय की तरफ जाऊंगी। तो उसको ये कहा गया थाने में अधिकारियों के जरिए कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे। तो ये हरासमेंट जो है, इस तरह की जो दहशत पैदा की जा रही है, ये अपराधी ही करते हैं, और जिनसे लड़ने के नाम पर हम पूरा अभियान चला रहे हैं, सरकार चला रही है, आखिर क्या बनाना चाहती है वो आम इंसान को, ये बहुत सोचने की बात है। औरतों को जब न्याय नहीं मिलेगा, बच्चों और नौजवानों को जब न्याय नहीं मिलेगा, तो उनका इस्तेमाल वो ताकतें करेंगी जो ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं, जो ताकतें यहाँ की डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहती हैं, जो ताकतें यहाँ विदेशियों को लाना चाहती हैं। थैंक यू जुलेखा।